क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से ही लगातार कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, मगर हैरानी तब हो रही है जब पाकिस्तानी क्रिकेटर भी इस पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। पहले शाहिद अफरीदी यूएन को इसमें ले आए तो अब सरफराज ने कश्मीर को लेकर बहुत गंदा कह दिया, जिसके बाद गौतम गंभीर ने सरफराज को उनकी औकात याद दिला दी। तो क्या कहा सरफराज ने और फिर कैसे गंभीर ने दिया करारा जवाब, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी गंभीर की ही तरह सरफराज को करारा जवाब कमेंट जरूर करें और वीडियो को तुरंत शेयर करें। तो पाकिस्तान क्रिकेट कप्तान सरफराज वैसे भी अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। सरफराज को दुनिया क्या, उनके ही देश में लोग सीरियसली नहीं लेते। लेकिन इस बीच बकरीद के बाद सरफराज ने बहुत गंदा बयान दिया। सरफराज ने कहा कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो बेहद खौफनाक है और हमारी पूरी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। यही नहीं, सरफराज ने बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर लेने का दावा भी किया। अब पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल पर आकर सरफराज ने ये बात कही तो भारत से भी जवाब मिलने में कहां देरी होने वाली थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर हमेशा की तरह पाकिस्तानियों को जवाब देने में आगे रहे। गंभीर ने सरफराज को बेहद तीखा जवाब दिया। गंभीर ने कहा कि आप पहले अपने देश में खाने का इंतजाम कर लो, पीने का इंतजाम कर लो, उसके बाद कश्मीर की या कोई और बात करना। एक निजी टीवी चैनल पर बोल रहे गंभीर यही नहीं रुके। गंभीर ने कहा कि पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि वो बाप से बात कर रहा है तो तमीज से करे। यानी गंभीर ने बड़बोले सरफराज को साफ तौर पर बता दिया कि उनकी हैसियत क्या है और बेहद कड़ा जवाब दिया। वैसे सरफराज की हरकत भी इसी तरह के जवाब के लायक थी। तो अब आप भी गंभीर की ही तरह कमेंट बॉक्स में करारा जवाब लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।